बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो स्टडी है वो एडिट टैब के बारे में है। एडिट टैब में मौजूद पॉइंट और इंटरेक्ट, इन दो कमांड्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। उसके लिए आपको लाइन के अंदर जाकर यहाँ पर सिंगल लाइन सेलेक्ट करनी है। एक लाइन आप ऐसे लगाएंगे और दूसरी लाइन आप इस तरह लगाएंगे जो कि इसके ऊपर इंटरसेक्ट करती हो। इसके बाद आप एडिट के अंदर जाएंगे। एडिट में जाने के बाद आप यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इस लाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इस लाइन के दो पॉइंट हैं जो कि पॉइंट वन और पॉइंट टू से हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं पॉइंट टू को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस लाइन को इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक मैं ले आऊँ, लिमिट कर दूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ से इसको पिक करना है और यहाँ पर इसको रिलीज़ कर देना है इंटरसेक्शन पॉइंट तक, और यहाँ से इस फॉर्म को बंद कर देना है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करवा सकते हैं और लाइंस को लिमिट करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टडी है वो इंटरेक्ट कमांड के, इंटरेक्टिव कमांड के बारे में है। वायर फ्रेम में जाएंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉप डाउन के अंदर हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और कमांड के अंदर हम 0 स्पेस 0 एंटर करेंगे तो हमारी रेक्टेंगल जो है वो 0 के ऊपर प्लेस हो जाएगी। इसके बाद आप कमांड के अंदर 50 स्पेस 50 एंटर करेंगे तो ये हमारी एक रेक्टेंगल प्लेस हो गई। अब इसके बाद हमें कुछ रेक्टेंगल्स जो हैं वो इस तरीके से बनानी हैं जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, विदाउट डायमेंशंस। एक रेक्टेंगल आप यहाँ पर प्लेस करें और एक रेक्टेंगल आप यहाँ पर प्लेस करें। इसी तरह एक रेक्टेंगल आप यहाँ पर प्लेस करें, एक रेक्टेंगल आप यहाँ पर प्लेस करें और उसके बाद एक रेक्टेंगल आप यहाँ पर प्लेस करें। अब इसके बाद ऑटोकैड के अंदर हम इस कमांड को ट्रिमिंग के नाम से जानते हैं। अननेसेसरी लाइंस को ख़त्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्टिव। आप इस कमांड को सेलेक्ट करें और जो अननेसेसरी लाइंस हैं आप उनको इस तरह रिमूव कर दें। तो हमारे पास इस तरह की एक शक्ल बन जाएगी जब आप सारे के सारे जो अननेसेसरी हमारे पास मौजूद हैं लाइंस उनको आप रिमूव करेंगे तो इस तरह की एक शक्ल बन जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो हमारे पास एजेस हैं इनके ऊपर फिलेट लगाऊं, तो बजाय इसके कि मैं हर कॉर्नर को अलग अलग फिलेट लगाऊं, मैं इस पूरी की पूरी ज्योमेट्री को कंपोजिट कर्व में चेंज करने के बाद सारे के सारे कॉर्नर के ऊपर सिर्फ एक ही बार फिलेट लगाकर सबको मैं फिलेट दे सकता हूं। तो इसके लिए आपको वायर फ्रेम के अंदर जाना है, यहां से आपने कंपोजिट कर्व सेलेक्ट करनी है और इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली एक कर्व में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे आप सेव में क्लिक क्लिक करेंगे और एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको फिलेट सेलेक्ट करना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके तमाम के तमाम एजेस के ऊपर 0.5 का फिलेट लग जाए, तो मैं कमांड बार के अंदर 0 R space 0.5 टाइप करूँगा और इस के किसी भी कॉर्नर के ऊपर या इस आर के कहीं भी मैं इसको सेलेक्ट करके इसको ओके कर दूंगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसके जो एजेस थे उसके ऊपर 0.5 का फिलेट लग चुका है। तो इस तरह आप कंपोजिट कर्व में चेंज करके इजीली फिलेट भी लगा सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।